Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा ASDP क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के सामने हमारे जो सब्जेक्ट चल रही है जेनेटिक्स के अंदर हमने कल पढ़ लिया था लिंकेज, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। जो जेनेटिक्स में आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय का मतलब होता है जीनों की अदला बदली। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें तो ये जेनेटिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं ASDP फर्स्ट ईयर के अंदर आपके सब्जेक्ट है और ये आपके सेकंड सेमेस्टर जो है उसके अंदर आता है। तो ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय, यानी कि जो आपके जो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनका आपस में आदान प्रदान या अदला बदली, उसे क्या कह देंगे, जीन विनिमय कह देंगे या क्रॉसिंग ओवर कह देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन के बारे में। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो सबसे पहले जब आपका जो सेल डिवीज़न होता है यानी कि कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, प्रोफेज की जो मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज की जो फर्स्ट पैकेटिंग स्टेज होती है उसके अंदर क्या होता है, समजात जो गुणसूत्र होते हैं पैकेट मियोसिस जो होता है आपका मियोसिस जो होता है आपका मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज स्टेज होती है, प्रोफेज की जो पैकेटिंग स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनकी जो भुजाएं होती हैं उनके अंदर क्या होता है, आदान प्रदान होता है और इस आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, यानी कि जीनों की अदला बदली। तो ये कब होती है, यह मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज यानी कि पैकेटिन अवस्था में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं यानी कि जो हम क्या कह देंगे हिंदी के अंदर समजात गुणसूत्र, यानी कि समान जाति वाले जो गुणसूत्र होते हैं समजात गुणसूत्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि समजात गुणसूत्रों की भुजाओं में जो अदला बदली होती है उसे ही क्या कहा जाता है, यानी कि नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स होती हैं यानी कि समजात गुणसूत्रों के भुजाओं के मध्य है जो आदान प्रदान होता है, अदला बदली होती है, उसे ही क्या कह देते हैं, क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं, यानी कि जीन विनिमय कह देते हैं। और जो क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसके अंदर मातृ व पितृ गुणसूत्रों के जीन्स में अदला बदली होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में मदर व फादर यानी कि मातृ व पितृ जो गुणसूत्र होते हैं, मदर व फादर से जो क्रोमोसोम्स प्राप्त होते हैं यानी कि मातृ पितृ जो गुणसूत्र होते हैं उनके जीन्स में अदला बदली होती है। मातृ व पितृ जीन्स की में क्या होती है, जीन्स में क्या होती है, अदला बदली होती है। मातृ व पितृ जीन्स में क्या होती है, अदला बदली होती है यानी कि एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब उसके आगे हम बात करें, सबसे पहले तुमने क्या बताया कि क्रॉसिंग ओवर जो होती है समजात गुणसूत्रों की भुजाओं के मध्य है जो अदला बदली होती है, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो समान जाति वाले जो गुणसूत्र होते हैं जिनके जो रंग रूप आकार प्रकृति लक्षणों में जो समान होते हैं समजात गुणसूत्र होते हैं उनकी भुजाओं के बीच में जो अदला बदली होती है उनके मध्य जो आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, यानी कि जीन विनिमय कहा जाता है। और यह कब होता है, यह मियोसिस की प्रोफेज की फर्स्ट मियोसिस
मीटोसिस में जो प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था है उसकी भी पैकेटिन अवस्था में होता है। क्रोचिंग और किस में होता है? मीओसिस जो होता है आपका, यानी कि मीओसिस की जो प्रोफेज स्टेज है, प्रोफेज वन की जो स्टेज है उसकी भी पैकेटिन स्टेज के अंदर क्या होता है, समझात गुणसूत्रों में के मध्य जो अदला बदली होती है भुजाओं के मध्य, उसे क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय के दौरान मातृ व पितृ जीन्स में अदला बदली होती है, यानी कि मदर व फादर के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उनके अंदर अदला बदली होती है। क्या होती है? मदर की तो फादर में, और फादर के जो जीन्स होते हैं वो मदर के गुणसूत्रों में जा पहुँचकर जीन्स में पहुँचकर क्या होते हैं? अदला बदली होती है। अब आगे हम बात करते हैं, यह जो क्रॉसिंग ओवर जो शब्द है यह है, यह शब्द जो दिया था मॉर्गन ने और कैटल ने दिया था 1912 में। क्रॉसिंग ओवर शब्द किसने दिया था? मॉर्गन व कैटल ने, मॉर्गन व कैटल ने दिया था 1912 में। कब दिया था? मॉर्गन व कैटल ने दिया था 1912 में। अब सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो क्या होती है, जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो किसे बदल जाते हैं? पुत्री क्रोमेटिड से बदल जाते हैं और एक दूसरे से एक्स की आकृति में क्या बनाते हैं? एक दूसरे से एक्स की आकृति में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण मुड़ जाते हैं। एक्स की आकृति में किसकी वजह से मुड़ते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसकी वजह से जो समजात गुणसूत्र होते हैं एक्स की आकृति में मुड़ जाते हैं। और ये जो एक्स की आकृति के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? एक धागे के समान एक दूसरे से एक स्थान पर जुड़ जाते हैं। किससे? ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं इनमें जो धागे नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं वह एक दूसरे से इस धागे नुमा संरचना के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। और जब इस धागे नुमा संरचना पर जब एक्स की आकृति बनती है तथा ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? काइज़मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काइज़मा का निर्माण होता है। काइज़मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? काइज़मा का निर्माण होता है। वह यह काइज़मा क्या करता है? यह काइज़मा क्या करता है? डिप्लोटीन स्टेज में होता है। इस काइज़मा का निर्माण कब होता है? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होता है। किसमें होता है? इस काइज़मा का निर्माण होता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होगा? समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होगा? एक्सचेंज होगा, यानी कि अदला बदली होगी। फिर उसमें क्या होता है? माता व पिता के जो जीन्स होते हैं उनमें अदला बदली होती है। फिर हम बात करते हैं, ये जो वर्ड है क्रॉसिंग ओवर किसने दिया था? मॉर्गन व कैटल ने दिया था। कब दिया था? 1912 के अंदर दिया था। उसके अलावा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर के बीच में? क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके बीच में जो पुत्री क्रोमेटिड्स होती हैं उनके आपस में एक दूसरे के बीच में एक्स की आकृति बनती है। और ये एक्स की आकृति किस वजह से बनती है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण बनती है। जब ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण एक्स की आकृति में मुड़ जाते हैं तो ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, यानी कि जो क्रोमोजोम्स आगे जो बचते हैं, क्रोमेटिड्स क्या करते हैं? एक धागे नुमा संरचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस धागे नुमा स्थान क्या कहा जाएगा? काइज़मा कहा जाएगा। और यह काइज़मा जो होता है डिप्लोटीन स्टेज में होता है। यह काइज़मा कब होता है? किस में होता है? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर होता है। अब आगे हम बात करें, जब पुत्री क्रोमेटिड्स जो होती हैं आपकी, जब एक्स स्थान से, यानी कि एक्स स्थान यानी कि जहाँ पे काइज़मा का निर्माण हो रहा है उससे अलग होकर जब दूसरे स्थान पर जाती है तो वह लाइपेज एंजाइम की क्रिया के से क्या होती हैं? जब एक्स की जो संरचना बन गई जहाँ पे क्या बन गया आपका? काइज़मा बन गया। अब काइज़मा के बाद में क्या करती हैं? एक्स स्थान से फिर थोड़ा सा अलग होकर जाती हैं, फिर एक्स स्थान से अलग होकर किस में बदल जाती हैं? लाइपेज एंजाइम की जब क्रिया करता है, एक्स की आकृति के बाद जब लाइपेज एंजाइम क्रिया करता है उस क्रिया से एक दूसरे से जुड़ करके क्या करती हैं? ये नए क्या करती हैं? नए योजन का निर्माण करती हैं, यानी कि आपस में रिकॉम्बिनेट हो जाती हैं। रिकॉम्बिनेट का मतलब होता है आप एक दूसरे से जुड़ करके एक नई वस्तु का या नई चीज का निर्माण करती हैं, रिकॉम्बिनेट होती हैं। उसके पश्चात यह जो पूरी घटना होती है कौन सी अवस्था में होती है? टेट्राड अवस्था में होती है। टेट्राड अवस्था में कौन सी होती है? यह पूरी की पूरी आपकी जो संरचना बनेगी जिसे हम क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेशन, यानी कि पूर्ण रूप से नया संयोजन जो होता है, नई चीज का जो निर्माण होगा यह होगा टेट्राड अवस्था में। किस में होगा? टेट्राड स्टेज में। ट्रेटाइड स्टेज के अंदर क्या बनेगा? ट्रेटाइड स्टेज में लाइपेज एंजाइम से क्रिया करेगी। लाइपेज
एंजाइम से क्रिया करेगी ट्रेटार्ड अवस्था में, और उससे क्या होगा, इसका रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी कि पुनः संयोजन होगा, रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनः संयोजन होगा। किसके अंदर होगा? लाइपेज एंजाइम की क्रिया के स्वरूप क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। और रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये कौन सी अवस्था में होता है? टेट्राड अवस्था के अंदर होता है। अब हम बात करें जब दो सहलग्नि जो जीन होते हैं उनके जब अत्यंत नज़दीक आ जाते हैं, जब भी कोई भी दो सहलग्नि जीन यानी कि जो साथ साथ चलने वाले जो जीन होते हैं जब उनके मध्य में अत्यंत नज़दीक आ जाती है यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है वह बहुत ही कम हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है वह बहुत कम आ जाती है। लेकिन जब वह जो सहलग्नि जीन है बहुत दूर दूर स्थित होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता बढ़ जाती है, यानी कि जीनों की अदला बदली की जो प्रतिशतता है वह बढ़ जाती है। जीन 100% या जीनों में अदला बदली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि अगर सहलग्नि जीन जो है अगर वह अत्यंत नज़दीक रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? कम हो जाएगा। जब सहलग्नि जीन दूर दूर स्थित होंगे तो क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होगा उसकी जो प्रतिशतता है यानी कि जीनों की अदला बदली की जो क्षमता है वह ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर कितने प्रकार का होता है। और जब हम आगे हम नोट डाल के आप एक बात लिख लीजिए कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका मेन कारण है क्रॉसिंग ओवर। क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। किसमें? जानवरों में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर है, यानी कि जीन विनिमय। जानवरों में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का होता है? तो क्रॉसिंग ओवर तो एक तो होता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, दूसरा होता है आपका डबल, तीसरा होता है आपका मल्टीपल। अब इतनी चीज इनकी डेफिनेशन है, सिंपल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर तो क्या होता है, जब जीन जो होते हैं केवल एक बिंदु पर हों, जब जीन क्या हों, केवल एक बिंदु पर हों, इसे तो क्या कह देंगे, जब जीन एक बिंदु पर होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा। डबल में जब दो बिंदु पर हो, जो जीन है वो कितने उस पर हो, जब जो जीन्स होते हैं दो बिंदुओं पर उपस्थित हों, और इसके अंदर क्या हो, मल्टीपल के अंदर क्या होता है, एक ही बार में तीन चार यानी कि बहुत से स्थानों पर जब जीन पाए जाएँ एक ही बार में जब बहुत से स्थानों पर हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक ही स्थान पर एक ही बार में जब बहुत से स्थानों पर जीनों की अदला बदली होती है उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। और सिंगल क्रॉसिंग ओवर जब एक ही स्थान पर एक ही बिंदु पर एक ही समय पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है उसे कहा जाता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अगर एक ही स्थान पर जब दो जगह होता है तो उसे कहा जाएगा डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब एक ही स्थान पर एक ही बार में बहुत सारे स्थानों पर क्या हो जीनों की अदला बदली हो उसे कहा जाएगा मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अब आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो क्रॉसिंग ओवर को सबसे पहले तो क्या प्रभावित करती है, एज बढ़ने के साथ साथ यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है वह कम हो जाती है। तो एज बढ़ेगी और क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पर क्रॉसिंग ओवर की जो आकृति होती है वह कम होती है, यानी कि हाई टेम्परेचर भी क्या करेगा, क्रॉसिंग ओवर की जो शेप होती है आकृति होती है उसमें बदलाव कर देता है। और उसके अलावा क्या होता है, जब एक्सरे यानी कि जब हम एक्सरे करवाते हैं एक्सरे की उपस्थिति में भी क्या होता है, इसकी आवृत्ति बढ़ती है। एक्सरे की उपस्थिति में भी क्या होती है, इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। उसके अलावा क्या है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो
तथा कैल्शियम की मात्रा क्या तो अधिक हो और दर कम हो। कैल्शियम की मात्रा तो अधिक हो लेकिन शरीर के अंदर परिवहित होने की दर कम हो तथा कैल्शियम की मात्रा अगर कम मध्यम आकार में हो तो भी आवृत्ति बढ़ती है। यानी कि अगर ज़्यादा मात्रा में रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा और दर कम रहेगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लेकिन अगर कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर जितनी हमें आवश्यकता है उतना रहेगा तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। आगे हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्ता या महत्वपूर्ण बातें, जो क्रॉसिंग ओवर क्यों होना ज़रूरी है। तो इसका ही महत्ता का मतलब होता है सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले जो क्रॉसिंग ओवर होता है यह क्या करता है, जीन के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनको रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है, जीन्स जो होते हैं क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होते हैं, एक तो रेखीय क्रम में पाए जाते हैं और यह जीन्स की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। यह जो करता है क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, जो जीन्स पाए जाते हैं उनकी कार्यप्रणाली पर, यानी कि जीन हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करते हैं और जीन से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और किस जीन से किस किस कार्य को संभव किया जा सकता है, किस किस चीज़ को सही किया जा सकता है, कुछ विकृतियों को ठीक किया जा सकता है, कुछ बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, वो सारे कार्य किसके द्वारा पता चल जाते हैं, हमें क्रॉसिंग ओवर के द्वारा पता चल जाते हैं। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं रेखीय क्रम में पाए जाते हैं और रेखीय क्रम में पाए जाने की वजह से क्या होता है, उनकी कार्यप्रणाली जो होती है उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि किस जीन से कोई सी विकृति ठीक हो सकती है, किसी से कोई आनुवांशिक रोग ठीक हो सकता है, किसी जीन की वजह से हमारे शरीर के अंदर कई परिवर्तन आ सकते हैं। इन चीज़ों की सारी जो प्रणाली होती है, जीन्स क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उनकी प्रणाली पर जो प्रकाश डालता है वह कौन डालता है, आपका क्रॉसिंग ओवर डालता है। उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर जो होता है जीन की जो कार्यशील परिभाषा देता है, यानी कि जीन किस प्रकार से कार्य कर सकता है यह अच्छे तरीके से कौन बता सकता है, हमें क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही पता चल सकता है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही क्या पाई जाती है, हमारे शरीर के अंदर विभिन्नताएँ पाई जा सकती है और बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीन गुणसूत्र का सबसे छोटा वंशागत होने वाला खंड है। जीन सबको पता है, गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे माता पिता से हमारे जो लक्षण और हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ें किस पर पाई जाती हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं। और ये आनुवांशिकता का सबसे छोटा खंड कौन सा होता है, हमारे जीन होते हैं, इसके बिना कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। तो जीन जो होते हैं वह भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान। उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर जो क्या करती है, यह आपके क्रोमोसोमल मैपिंग में सहायता करती है। क्रोमोसोमल मैपिंग का मतलब होता है आपकी जो गुणसूत्र का जो आपके गुणसूत्र का जो आरेख है, परिमाप है और नक्शा है, उसको परिभाषित करने का कार्य भी कौन करता है, आपका क्रॉसिंग ओवर करता है। और क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रतिशतता होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं होगा, उसके होने न होने की जो चांस है वह जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर अत्यंत नज़दीक है तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, और अगर दूर दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, उसकी संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसकी प्रतिशतता भी किसके ऊपर पड़ती है, जीन के ऊपर पड़ती है। और क्रॉसिंग ओवर होने की जो संभावनाएं हैं वो किसके ऊपर हैं, जीन के समानुपाती है। अगर जीन अत्यंत नज़दीक होंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कम होगी और जीन अगर दूर दूर रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। आगे हम बात करें क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, वेरिएशन का मुख्य कारण है। तो जो भी विभिन्नताएँ पाई जाती है, जो भी क्रॉस ब्रीड्स पाई जाती है, संकृत जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हम पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, मानव हो गए, इनके अंदर जो नए नए सुधार हो सकते हैं, नई नई आनुवांशिक बीमारियों को ठीक करने का कार्य है, विकृतियों को ठीक करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारे जीन का होता है। क्योंकि कोई जीन तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं और कोई जीन हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। अच्छे जीन्स के कारण क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर अच्छे बदलाव आएंगे और बुरे से हमारे क्या होगा, शरीर के अंदर विकृतियों का और हमारे कोई भी ऐसा रोग जो ठीक होने के चांसेस जो नहीं होते हैं वो कभी कभी अगर हमारे जीन्स के अंदर बदलाव किया जाए तो उससे हमारे जो आनुवांशिक रोग या कोई विकृतियाँ हो गई उनको ठीक किया जा सकता है। तो वेरिएशन का मुख्य जो कारण है वह भी जीन है और जीन का भी मुख्य कारण है क्रॉसिंग ओवर। जीन के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वह किसकी वजह से होगा,
क्रॉसिंग ओवर की वजह से होगा, और विभिन्नताओं के अंदर जो विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं वह क्रॉसिंग ओवर के कारण ही पाई जाती है। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, नई किस्मों की उत्पत्ति में उपयोगी है और अवांछित लक्षण जो होते हैं उनकी संलग्नता को हम कम कर सकते हैं। किसके द्वारा, एक्सरे के द्वारा हो गया, टेम्परेचर के द्वारा हो गया, और रसायनों के उपयोग करके क्या हम कर सकते हैं, और रसायनों का उपयोग करके हम अवांछित जो लक्षण होते हैं उनको नष्ट करके अच्छे उपज या अच्छे नए तरीके से कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी नई विभिन्नताएँ जो हमारे लिए आवश्यकता है, आसपास के वातावरण के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, तो उसको हम नए रूप से तैयार कर सकते हैं, अच्छे रूप में तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर जो है विभिन्नता का सबसे मुख्य कारण कौन सा होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।